सो वेलकम एवरीवन इन अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज हम फिश के रिलेटेड ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत सारी फिश, बहुत सारी वैरायटी और अपने पॉकेट और से एक्सपेंसेस निकाल के और अपने हार्ट से कनेक्टेड फिश खरीद के लाते हैं, बट उन्हें अगर कुछ हो जाता है तो हम मेडिसिन प्रॉपर टाइम में और प्रॉपर मेडिसिन नहीं दे सकते। और बाजार में तो बहुत सारी मेडिसिन मिलती है, बट एक्चुअली में वो मेडिसिन नहीं होती, केमिकली आपके फिश को हानि करती है वो। तो आज हम भैया के पास आए हैं, अमृत भैया के पास, उनसे रिक्वेस्ट लेकर, और उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला कि आज आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे सके कि कौन सी मेडिसिन आपको अपने फिश के ऊपर यूज करनी चाहिए। तो भैया, जो आप मेडिसिन दिखाने वाले हैं, वो आप भी तो बहुत सारी मेडिसिन खुद बनाते हैं और फीडिंग वगैरह का भी जो पैलेट वगैरह होता है, ठीक है। तो भैया, आज पहला कौन कौन सा मेडिसिन हम देखेंगे? मेडिसिन में दिखाता हूँ, उससे पहले एक बात बोलना है कि आप अगर फिश रख रहे हो तो आपको उसको टाइम देना होगा। ओके। बहुत जन होते हैं कि बस रख दिए हैं और कुछ भी हो दवाई दे दो, तो आप ह्यूमन के ऊपर भी हर समय मेडिकेशन यूज करेंगे तो बॉडी प्रॉब्लम होता है। हाँ, फिर वो मेडिसिन काम भी नहीं। आपको पहले प्रिकॉशन लेना है कि वाटर का क्वालिटी अच्छा रखना है और फूड क्वालिटी अच्छा रखना है, ये दोनों चीज रखना है। और फिश को थोड़ा सा टाइम देना है कि वो इंटरेक्ट करे आपके साथ, नहीं तो बहुत स्ट्रेस में चला है। खास करके फ्लावर ऑयल को तो देना ही पड़ता है। कोई भी फिश होता है तो टाइम मांगता है, कोई भी पेट फिश, क्या मतलब कोई भी पेट आप किसी को भी रख रहे हो तो वो थोड़ा सा टाइम मांगता है। जी बिल्कुल। ये सब होने के बाद आपका आता है मेडिकेशन, कि बहुत प्रॉब्लम हुआ, कोई चीज हुआ तो उसमें भी आपको डायग्नोस करके मेडिसिन देना है। ऐसे नहीं कि रैंडम कोई कुछ बोला और आप कुछ दे दीजिए, वो आपके फिश पे इफेक्ट करता है, वो तो बोल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। तो आपको उसको समझ समझना, और ये तभी हम समझ सकते हैं अपने फिश को, अगर हम अपने फिश को समय देते हैं। ठीक है, तो आज क्या था मेडिसिन भी हम पहला देखने वाले हैं? मेरे पास अभी ये एक्वाबडी है। एक्वाबडी आप ही का ब्रांड है ना? हाँ, स्ट्रेसिस, ये रिकी शर्मा का ब्रांड है। ओके। मेरे बड़े भाई जैसे। अच्छा, तो इसमें क्या है, ये मेडिसिन नहीं है, मैं इसको मेडिसिन नहीं बोलूंगा, इसमें रहता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया और स्ट्रेसिस का एक्सट्रैक्ट रहता है जो एलोवेरा और ये सब रहता है। ओके। और काफी कुछ रहता है जो बेनिफिशियल है फिश के लिए, फिश का स्लाइम कोट, पानी का क्वालिटी, और आपका जैसे फिश पूप करता है तो डिकम्पोज कर देता है, वो पाउडर फॉर्म में कर देता है, एमोनिया वगैरह। हाँ, ये सारे को डिकम्पोज करके पाउडर फॉर्म में कर देता है। तो इसके बाद आपको जब साइफून करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं होता, बस जरा सा साइफून करने से 10% पानी निकालने से भी आपका वाटर से वाटर देखो, ये क्रिस्टल क्लियर है पानी, ये पानी क्रिस्टल क्लियर है, भले ही वो पूप किया नीचे, देखिए आप डिकम्पोज हो चुका है पाउडर फॉर्म में। तो ये अलग अलग साइज में है मेरे पास, जैसे किसी का बजट एकदम नहीं है, वो वन टाइम यूज के लिए लेना चाहता है, तो ये एक बार डालने से 15-20 डेज का साइकिल चलता है, जिसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनते हैं, वो 20 दिन के अंदर अंदर मतलब वापस से आपको डालना होगा साइकिल बनाने के लिए। अच्छा। और ये एक इसमें 30 ml रहता है। ओके। ये 30 ml आपका 2.5 फीट तक मैक्सिमम कवर कर सकता है, मतलब आपका 140 लीटर टू 200 लीटर पर 200 लीटर में एक बॉटल पूरा डालना पड़ेगा। हाँ, ये एक बॉटल पूरा डलता है और ये 30 ml का है, किसी को बड़ा शैशे चाहिए तो ये 100 ml का है। तो भैया, ये भी तो हमें रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं करना है? नहीं, ये 15-20 days पे जब भी आप करो, मतलब वाटर चेंज के बाद आप इसको डाल दो। अच्छा। 15-20 days, मतलब कोई 20 days पे करता है, जैसे आपका अगर 2 feet का टैंक है 120 लीटर ही आगे डाल दो, आप 20 दिन बात करो। अच्छा। आपका अगर बड़ा टैंक है, मतलब अगर ये यूज करते भैया तो हमें वाटर चेंज रेगुलर बेसिस पे नहीं करना? नहीं, वाटर चेंज आपको करना है, ये एक तो मिथ है कि वाटर चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डाल के ऐसा कुछ भी नहीं बना जो वाटर चेंज ना करना। ओके। ये ऑक्सीजनेट कर रहा है पानी को, ये बैक्टीरिया बना रहा है, बट फिर भी आपका पानी तो बासी हो रहा है, वो आपको हर दूसरे दिन थोड़ा सा पानी चेंज करना है। अच्छा, थैंक यू। और इसका 3 साइज अभी मेरे पास अवेलेबल है, ये 100 ml, ये 250 ml का है और ये 30 ml का है। इससे बड़ा साइज ऑन ऑर्डर मिल जाएगा, फिर 500 ml और 1 लीटर का। ओके। और प्राइस आप अगर कांटेक्ट करते हो तो भैया से आपको मिल जाएगा, इसमें होलसेल रिटेल हम दोनों कर सकते हैं, अगर किसी को शॉप के लिए चाहिए तो वो भी मंगा सकते हैं। ये सबसे बड़ा बात है कि आपका ये सिर्फ फ्रेश वाटर नहीं, मरीन में भी काम आ रहा है। Okay. और फ्लावर ऑन नहीं, मतलब हर एक फिश में काम आ रहा है, इवन आप प्लांटेड में डाल सकते हो, प्लांट्स के लिए भी बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया। और दूसरा मेडिसिन अब हम क्या देखने वाले हैं? अब मैं फंगस का कुछ बता देता हूँ, और ये एक मैं जो सेल नहीं करता, मैं एक नॉर्मल सा मेडिसिन का आपको चेकअप वो बता दे रहा हूँ, जैसे डीवॉर्मिंग का इशू होता है, फंगस लगता है, वो हेड में होल हो जाती है, होल होता है, बॉडी स्विम होता है, मतलब फिश उल्टा तैरने लगता है, ये सब। ये फंगस का जो आपका फिश फंगस लग जाता है ठंडा में, व्हाइट स्पॉट हो जाता है, तो उसके लिए बेसिक दवाई होता है रॉक सॉल्ट जो होता है आपका छेना नमक, वो आप डालिए बिना आयोडीन वाला। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आयोडीन नहीं होनी चाहिए नमक में, वरना वो आपके फिश को बहुत हार्म करेगा। वो रॉक सॉल्ट जो आता है, जो आप छेना नमक या संदक लवन भी बोलते हैं, वो यूज कर सकते हैं, उससे नहीं क्योर हो रहा है। तो मेथिलीन ग्लू आता है, होम्योपैथिक
दवाई दुकान पे मिल जाएगा आपको या फिर ऐसे भी मिल जाता है। रीडॉल ब्लू ये सब में बहुत कम मात्रा में रहता है। प्रॉपर आपको मेथिलीन ब्लू चाहिए वो आप दे सकते हो, उससे नहीं हो रहा है तो ये काम करता है मेलाचिट भी, इसका ओरिजिनल ही लेना होगा आपको, ये डुप्लीकेट बहुत मिलता है। ओके हाँ, तो ये ओरिजिनल थोड़ा ज्यादा कॉस्ट पड़ेगा, छोटा सा डब्बा शायद 50-60 रुपीज या 70 रुपीज ही पड़ सकता है। ओके, तो ये एक कैप देने से आपका एक कैप फिर वाटर चेंज एक कैप ऐसे करके 3 दिन करने से ही, मतलब इसका जो शेड्यूल रहता है वो कितने दिन का चलता है? ये 3 दिन में क्योर कर देता है, 3 से 4 दिन। और मतलब आज अगर मैंने इसको यूज किया और उसके बाद आपको वाटर चेंज करना है, 50% वाटर चेंज फिर एक कैप, 50% वाटर चेंज फिर एक कैप। और ये समय 50% वाटर चेंज करेंगे तो उसमें रॉक सॉल्ट भी ऐड करना है? नहीं नहीं, आप रॉक सॉल्ट पहले कर दो, हर बार नहीं करना होगा। ओके, मतलब अगर आप पहले बार 50 ग्राम कर रहे हो तो अगले बार 25 ग्राम करोगे तभी वो वाटर चेंज बढ़ जाएगा अमाउंट। और वाटर चेंज रहेगा और हीटर ऑन रहेगा, अगर फंगस लगा हुआ है तो आपको हीटर मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग जो अब मेडिसिन यूज करते हैं बट वो कहते हैं कि मेरा मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रहा, बट क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हीटर आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मेडिसिन को इनहेंस करने में, बॉडी का मेटाबॉलिज्म वगैरह को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका फिश ये फ्लावर ऑन है, फ्लावर ऑन मिनिमम उसका टेम्परेचर है 26-30 के बीच में रहता है। ओके, और अभी जैसे आज 12 डिग्री 18 डिग्री ऐसा चल रहा है तो टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा, तो आपको हीटर हमेशा देना रहेगा मछली को ठंडा के सीजन में। ओके, जैसे कि हम नॉर्मली ठंडी में हम स्वेटर वगैरह कैप यूज कर लेते हैं तो फिश को भी नेसेसरी होता है, वो होता है हीटर, तो हीटर जरूर दे अपने फिश को, अपने फिश को हेल्दी रखने के लिए। और एक चीज है जैसे मैं बोल रहा था कि हर दूसरे दिन वाटर चेंज करना, तो हर दूसरे दिन वाटर चेंज करेंगे अगर वाटर क्वालिटी और फूड क्वालिटी मेंटेन रहेगा मछली का, तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा फंगस लगा या कोई भी बीमारी हुआ तो उसको रिकवर करने में बहुत जल्दी इजी होगा क्योंकि वो इम्यून रहेगा पहले से। ओके, और अगर आपका फिश पहले ही खराब कंडीशन में, मतलब खराब वाटर कंडीशन में या खराब फूड दे रहा है तो उसके बाद बीमार पड़ता है तो आपका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वाटर चेंज उस समय करते तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ऑलरेडी वो अंदर से वीक रहता है तो उसको वो फाइट नहीं कर पाता उसका जो बॉडी सेल्स है। दूसरे बीमारी की तरफ जो कि बहुत कॉमन है, गोल्डफिश में बहुत ज्यादा होता है, फ्लावर ऑन में ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड होते हैं बहुत ज्यादा, इनब्रीडिंग में भी होता है, म्यूटेशन भी है, इसीलिए थोड़ा ज्यादा फ्लावर ऑन मैनमेड है और गोल्डफिश भी मैनमेड है, वो नेचुरल तो नहीं पाई जाती, कोई पाई जाती है उससे ही हमें एक्सट्रैक्ट करके गोल्डफिश मिलती है। तो जो भी मैनमेड फिश है इसमें आपको म्यूटेशन होता है, इनब्रीडिंग होता है, इसके चक्कर में वो अंदर से वीक होता है और आपका स्विम ब्लैडर का प्रॉब्लम बहुत आता है। अच्छा, फिश हैंडीकैप्ड होता है, उल्टा तैर रहा है, मतलब एक टाइम के बाद अचानक से ब्लोट करता है फिर उल्टा तैरने, पेट फूल जाता है वगैरह वगैरह, ये खराब फूड से भी होता है, खराब वाटर कंडीशन से भी होता है और जीन का प्रॉब्लम से, मतलब नॉर्मल मेन चीज होती है वाटर कंडीशन और फूड। हाँ, तो अगर आपको ये मेंटेन करे तो मेडिसिन बहुत ही रेयर कंडीशन में यूज होना पड़ेगा। हर ऑर्गेनिज्म में आप आदमी में भी देख लो, अगर उसका फूड मेंटेन है, अच्छा खा रहा है, अच्छे जगह रह रहा है तो उसको और बीमारी नहीं होती। तो अभी क्या देख रहे हैं हम? ये हम लोग देख रहे हैं गट क्लीनर, गट क्लीनर जो शायद हम लोग डीवॉर्मिंग वगैरह जो नहीं, कहते हैं, डीवॉर्मिंग में नहीं होता ये। ये आपका प्रिकॉशन है स्विम ब्लैडर से बचने का। ओके, तो आपके फिश के स्विम ब्लैडर में होता क्या है, पेट में लिक्विड जम जाता है या गैस हो जाता है जिसके प्रॉब्लम से वो फिर बैलेंस खो देता है अपना तैरने का, तो उल्टा तैरने होता है। तो गट क्लीन करता रहेगा उसका, अगर पेट पहले से क्लीन रहेगा तो ना तो गैस होगा ना कुछ होगा। तो आपका कैसा भी फूड हो, आप बैटरी फूड हो, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस फूड के साथ इसको मिक्स करके देना हमेशा। ये क्या लिखिए, ये पाउडर फॉर्म में। ओके, इसको पेस्ट बना के आप पैलेट में सोक कर देना, सोक करके फिश को देना, हर अल्टरनेट डे देना, तो आपका फिश को कभी वो स्विम ब्लैडर का प्रॉब्लम हो गई, मतलब वाटर में इसे थोड़ा सा मिक्स करके उसमें पैलेट को सोक करके देना, तो इसमें आपका वाइट टूथ का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा, मतलब पेट का कोई प्रॉब्लम, कोई भी जितना इंटरनल डिजीज है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसको इंटरनल पैरासाइट्स बचाते रहेगा तो आपका मतलब डीवॉर्मिंग में भी बहुत कम आएगा, काम भी डीवॉर्मिंग करना पड़ेगा मछली को, ऐसा बहुत कम होगा, नेचुरल डीवॉर्मिंग जो फास्टिंग से होता है उससे काम हो जाएगा। ओके, अब आते हैं मल्टीविटामिन की तरफ। ये मल्टीविटामिन है, ये हर फिश के लिए, ना फ्लावर बाकी सब फिश के लिए, और आपका गट क्लीनर भी गोल्ड फिश, अरवाना, बीटा फिश, ओके, फ्लावर ऑन, और भी इतना एक्सोटिक फिश आप यूज कर सकते हो बहुत, बस सबके साथ अगर यूज करते हैं तो किसी को भी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आ गया मल्टीविटामिन, तो ये जैसे हम लोग मल्टीविटामिन लेते हैं A2Z गोल्ड और ऐसा, तो ये एज अ सप्लीमेंट काम करता है बॉडी को, मतलब कभी बीमारी हो कुछ हो तो पहले से रेडी रहता है, इम्यून रहता है बॉडी। ये भी क्या पैलेट्स के फॉर्म में है क्या? ये भी पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म, इसको भी वाटर में सोक करके, ये आप पैलेट में सोक करके भी दे सकते हो, ये आप डायरेक्ट ऐसे पेस्ट बना के वाटर में डाल सकते हो। पहले आता था थाई मिनरल्स बोलते, ओके,
वैसे ये मिनरल्स है यहाँ का वाटर और ये भी आपकी कंपनी का ही है। हाँ ये हमारे कंपनी का। अब आते हैं कुछ ब्रीडर्स हैं, मतलब कुछ ब्रीडर्स हैं, कुछ को ब्रीडर बनना है, कुछ को ब्रीडर ब्रीड करना है और सबको डेफिनिया हैच कराना नहीं आता है। हाँ। सबके जगह डेफिनिया मिलता भी नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए हम लोग ये बनाए इनिशियल बाइट्स बोल के। ओके। स्टेज वन स्टेज टू आपका हिकारी का फर्स्ट बाइट आता था पर वो बहुत अवेलेबिलिटी कम मार्केट में। ओके। हाँ जी बिल्कुल। हाँ। हिकारी हर जगह अवेलेबल नहीं है अभी भी। तो ये हम लोग बनाए हैं, ये उससे थोड़ा सा बेटर है। मतलब हिकारी में एक चीज था कि जहाँ पे आपको फ्राइज को फूलना होगा, फिर उधर पे फूल करके पेस्ट करके डालना होगा, फिर देखना होगा कि खा रहा है कि नहीं बच्चा। ये आप रैंडम एक पाउडर जैसा है, इसमें इसमें पेस्ट बना के आप डाल दो चार पांच जगह जहाँ पे ब्रीड हुआ आपका बच्चा। okay. और ये चलेगा अभी वन वीक से इनिशियल स्टेज जो फ्राइज एग से हैच होते हैं वहीं पे हम इसे यूज कर सकते हैं। ये आपका 10 से 10 to 15 डेज में आपका बच्चा रेडी हो जाएगा केचुआ खाने के लिए। ट्यूबीफिक्स वॉर्म वगैरह या कोई भी अलग या एनिमल हार्ट वगैरह जो भी आप सिर्फ ट्यूबीफिक्स वॉर्म वो भी कटा हुआ। ओके चॉप। हाँ वो पूरा चॉप करके आपको देना होगा छोटा छोटा, पर उसके पहले आपको ये देना होगा। ये ग्रोथ में है। हाँ ये ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगा मछली का। और वेराइटी ऑफ मछली अवेलेबल है, ये सब बच्चे के। ये भी होलसेल और रिटेल सब जगह। तो हीटर का ऐसा है, ये देख लीजिए आप, ये 50 वॉट का RS का हीटर है, बॉक्स से खाली अभी तो हीटर मेरे सर लगे हुए हैं। तो हीटर का ऐसा है कि आदमी बोलते हैं कि हीटर हम ले लिए सर और इसको 28 पे सेट करके छोड़ दिए हैं तो पानी तो गर्म हो ही जाएगा, हमको देखना नहीं है अब मछली। और फिर मछली मरने लगता है। मैंने बोला कि क्या हो गया ये मछली, तो आप जब भी हीटर लो, हीटर से पहले आप एक थर्मामीटर लो। ओके। वो RS जिसका भी आता है वो बहुत कम है। और हमेशा डिजिटल मत लेना, एनालॉग थर्मामीटर जो नॉर्मल थर्मामीटर वो लेके आप पानी का टेम्परेचर चेक करते रहना हर समय, क्योंकि ये चाइनीज हीटर है। ओके। आप इस पर 28 पे रखो, कभी 32 पहुंच जाता है, कभी 24 पे रह जाता है। ओके। तो आपके दोनों केस में प्रॉब्लम है, कम रह गया तो ठंडा से मर जाएगा, ज्यादा रहेगा तो हीटर बढ़ सकते तो आपको टेम्परेचर चेक करना है। आपको उस पर थर्मोमीटर में 28 दिखा रहा है और इसका अगर 24 भी है तो इसको 24 रहने देना है, पर आप थर्मोमीटर के हिसाब से चलना है कि आपको थर्मोमीटर 28 दे रहा है मतलब पानी का टेम्परेचर ठीक है। ओके। उस हिसाब से आपको हीटर सेट करना है। अगर हीटर खरीदना है तो हमें थर्मोमीटर उसके साथ लेना ही चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेंसिव हीटर में जा नहीं रहे हो। AM का या फिर जो सैमसंग का हीटर आता है वो 3500 या 4000 का आता है और ये आता है 150 200 में मिल जाता है। तो जैसे कि अब हमने मेडिसिन के बारे में जान लिया, अब जाते हैं कि जो मेन होता है फीडिंग, जिससे ये प्रॉब्लम्स कॉज हो सकती है आपके फिश को, उसके ऊपर। तो भैया आप फीडिंग के बारे में क्या क्या कह रहे हैं? हाँ तो फीड हम दिखा देते हैं। हम फीड मेरा कंपनी भी सेल करता है, जो कि मेरा कंपनी है। ओके। वो एक्वाबॉडी के अंदर सुप्रीम है, ग्रूम अप है, डुओ है, ओके, कलर अप है, 4 ounce का ये है, सारा आपकी कंपनी से अंदर। गोल्ड फिश का भी फूड है पर हम नहीं रखते, अगर चाहिए होगा तो मिल जाएगा। ओके। उसके बाद भी हम वैरायटी ऑफ फूड रखते हैं, क्योंकि हम डेली रोटी खा के नहीं रह सकते, हमको किसी दिन चावल चाहिए, किसी दिन बिरयानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वैसे ही फिश का है, एक फूड आप दोगे डेली, उससे दो प्रॉब्लम आएगा, बोर हो गया फूड छोड़ देगा। ओके। फिर आपको स्विच करने में बहुत दिक्कत होगा। बिल्कुल। अगर आप किसी कंपनी का फूड दे रहे हो, कंपनी अगर मार्केट में फूड बंद करते तो आपका फिश फूड खाना बंद करते। बिल्कुल। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ये सब बहुत सारी। और फिर आप फूड दे रहे हो उसका डुप्लीकेट आने लगे, तो आप वो डुप्लीकेट ही ऑरिजिनल समझ के दोगे तो फिश को फूड का प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम। और भी आप फीडिंग का टाइमिंग का क्या कहना चाहोगे? फीड का टाइमिंग देखिए, ज्यादा टाइम दीजिए, कम पैलेट्स दीजिए। ओके। कम क्वांटिटी में ज्यादा पैलेट्स देना, ज्यादा टाइम देना। हाँ जैसे आपको दिन में अगर 20 पैलेट बनाया हुआ है डाइट, 20 पैलेट देना है फिश को। ओके। तो आप उसको 4 पैलेट करके 5 बार दें। ओके। ऐसा नहीं कि 10 पैलेट करके 2 बार देती है। तो इससे दो चीज होगा, एक तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, कम खाएगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा और इंटरेक्शन ज्यादा होगा आपका और एक्टिव भी रहेगा। हाँ तो इसमें सबसे लो रेंज का मेरे पास है ये ओकीको का। ओकीको ऑलमोस्ट डुप्लीकेट आ रहा है मार्केट में। ओके। तो आप ओकीको का ब्लैक और रेड पे मर्जी जाइए। ओके। ओकीको का आपको देना है तो फिर ग्रीन दीजिएगा। ओके। तो ग्रीन हेल्थ के लिए होता है ये आपके पास अवेलेबल? हाँ मेरे पास ओरिजिनल ही रहता है, हम ज्यादा स्टॉक नहीं रखते पर ऑरिजिनल रखते हैं, और रखते हैं डुप्लीकेट नहीं रखते। ये आपका ओरिजिनल ओकीको आ गया। ओके। इसके बाद आ जाता है जो बहुत फेमस ब्रांड है, ओशन फ्री का हम्पी हेड, सुपर रेड सीन और एवर रेड। ओके। ये तीनों ही है, ये स्टैरी बंद हो चुका है, पहले स्टैरी भी आता था। ओके। पल्स के लिए अभी नहीं आता। तो ये तीनों ओरिजिनल है मेरे पास।
क्वेश्चन थ्री का, ये आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला ओरिजिनल, बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, ये मतलब 100 से ही मिल सकता है, 100 में से दो दुकान में मिलेगा आपको। और मैं ये जानना चाहूंगा ये कि मतलब इनका यूज क्या होता है, जैसे कि फ्लावर में बहुत सारा कलर, येलो कलर, रेड कलर, हेड हम वगैरह के लिए यूज होता है, तो इनका क्या यूज है? ये रेड के लिए है, हम्पी हेड ग्रीन वाला, हम्पी हेड ग्रीन, हाँ हाँ, ओके। इसमें आपका रेडनेस और पर्ल मेंटेन होता है, ओके, इसके लिए लेना थोड़ा ज्यादा रहता है। अच्छा, ये एसआरडी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, हाँ हाँ। और ये सिर्फ रेड फिश के लिए है, जो क्लासिक है, हाँ, खाली इसमें रेडनेस देगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, हाँ, इसमें थोड़ा सा पर्ल्स देता है, थोड़ा सा हेड देता है, ओके। और इसके बाद आता है मेरा ब्रांड का फूड, उसके पहले एक फूड दिखा देता हूँ, ये आदमी लोग सोचते हैं खाली गोल्ड फिश और कोई के लिए, ये स्टेबल फूड है, फ्लावर के लिए बेस्ट, ओके। इसमें 12% स्पिरुलिना रहता है, जो पर्ल शाइन के लिए मेंटेन करता है, ओके। ऊपर से इसका बाकी जो इंग्रेडिएंट है ये कोई के लिए यूज होता है, क्योंकि इसका बॉडी वेट होता है, फ्लावर को भी बॉडी वेट बहुत चाहिए रहता है, तो उसका बॉडी वाइट करने के लिए काम आता है, ओके। और भैया का ये रिकमेंडेशन के बाद से मैंने भी ये वाले फूड को अपने ऑस्कर्स वगैरह के लिए यूज किया है, और आपने मेरी वीडियोस देखी है तो आप हमारे ऑस्कर्स का क्वालिटी, कलरेशन वगैरह, बॉडी थिकनेस वगैरह आप सब देख सकते हो, तो कितना हेल्प है। और उसके बाद आता है मेरे कंपनी का जो फूड है, ये सुप्रीम है, ओके, एक ग्रूम अप है, ओके, एक डू है, ओके, और डुअल टोन फिशेस, और एक कलर अप है, कलर, हाँ, ओके। ये एवरेड जैसे थोड़ा फ्लावर के लिए रेडनेस का, ये फ्लावर का रेडनेस इन्हेंस करता है, इसको आप ऑस्कर को दे दो या कोई भी रेड फिश हो, रेड वैरायटी ऑफ कलर फिश का, रेड चिकलेट्स में ज्यादा असर करता है, ओके। और ये कलर अप है, ये इसके बाद आपका हो गया डुअल टोन फिशेस के लिए डुओ, इसमें येलो भी आ जाता है, इसमें रेड भी आता है, पर्ल्स का शाइन भी होता है, जैसे सुपर रेड सिंक करता था, ओके, वो सारा फीचर इसमें, इसमें प्लस रेड भी थोड़ा सा ज्यादा इन्हेंस करता है, ओके। ये आगे आपका सुप्रीम, ये रेगुलर फूड है, जो आपका हेड जैसे हम भी है, हेड के लिए पल्स, इसमें पल्स भी देता है, ओके, और इसमें लिवर गार्ड भी है, लिवर के लिए, हाँ, ये सब फिश को लिवर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, एक्वाबॉडी का जितना फूड है इसमें लिवर गार्ड दिया हुआ है, तो आपको डिवॉर्मिंग करना नहीं पड़ेगा, अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करना पड़ेगा, बहुत रेयर केस में डिवॉर्मिंग का प्रॉब्लम होगा। और ये ग्रूमर है, ये फॉर ओनली फॉर कैंपर्स है, कैंपर, हाँ, ये कैंपा का बॉडी शेप हेड वेड के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि बॉडी शेप कैंपा का जो स्क्वायर रेक्टेंगल शेप होता है, ये सारा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा, आज हमने बहुत सारे वैरायटीज का मेडिसिन, फूड वगैरह सब देखा, और भैया से जाना कि आप उसे यूज कैसे कर सकते हो, और अपने फिश को मेडिसिन से दूर रखने के लिए आप किस तरीके से फिश का वाटर क्वालिटी और फूड फीडिंग वगैरह सब मेंटेन कर सकते हो, तो इसके लिए मेरा थैंक यू। और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज आज इस वीडियो पे उन्हें मिला है। तो भी आपको कैसा लगा वीडियो बना के? बहुत अच्छा लगा, और जो भी आप इनके चैनल देख रहे हैं इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू भैया, क्योंकि ये बहुत इनोवेटिव तरीका से आपके फिश के लिए, आपके लिए, सबके लिए हेल्प करके वीडियो ला रहे हैं, थैंक यू भैया। और फिर मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में, भैया के पास बहुत जल्द स्टॉक भी आने वाला है, तो वो देखते रहना।